तुझे मैंने वफा से मांगा तुझे मैंने दुआ से पाया तुझे तेरी अदा से। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में जो वीडियो देखे, स्टेप का लिरिक्स वीडियो क्रिएट करना काफ़ी आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार, अभी के समय में स्टेप का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स में। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर जितना भी मटेरियल यूज होगा एंड वीडियो में जो फॉन्ट यूज हुआ है, सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ पे इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन किए हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे और तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो आपको फोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और फर्स्ट में आपको ब्लैक इमेज को ऐड कर लेना है, देन आपको यहाँ पे तीन फोटो को ऐड कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हो ब्लैक इमेज और यहाँ पर डेमो के लिए तीन फोटो को मैंने ऐड कर लिया, तो इस तरह से आपको भी कर लेने। और इस टाइप का फोटो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में चल जाना है, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली जो भी फोटो चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फोटो ऐड करने के बाद अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आने आने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाना है, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। जो भी सॉन्ग पे आपको वीडियो क्रिएट करना है उस सॉन्ग को यहाँ पर ऐड कर लेने, देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे सॉन्ग ऐड हो चुका है। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना, सॉन्ग का जो लिरिक्स है उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फोटो को सेट कर लेने। अब तो सबसे पहले आपको सॉन्ग को सुन लेना है, देखिए तो मेरे जो सॉन्ग का पहला लिरिक्स है यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है कुछ इस तरह से और ब्लैक इमेज का ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेने और यहाँ से आपको फोटो को रखना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से मेरा लिरिक्स स्टार्टिंग है, तो आपको फोटो को यहाँ से स्टार्टिंग कर लेने और मेरा फर्स्ट लिरिक्स कहाँ खत्म हो रहा है वो चीज भी आपको सुन लेने और फोटो का ड्यूरेशन को घटा लेने या फिर बढ़ा लेने। तो सबसे आपको सॉन्ग को सुनना है एकदम लास्ट तक। तो देख सकते मेरे यहाँ पे पहला लिरिक्स खत्म हो रहा है, तो फोटो के ऊपर क्लिक करना और इस तरह से आपको घटा लेना है फोटो का ड्यूरेशन। देन अगर आपको प्ले करना है यहाँ से और यहाँ पे खत्म हो रहा है सेकंड लिरिक्स, तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन को इस तरह से घटा लेना है और अगर आपको सुन लेना है। देख सकते हो थर्ड जो लिरिक्स है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन को इस तरह से आपको घटा लेना है, ठीक है। तो लिरिक्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फोटो को सेट कर लेने कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक करने के बाद अब क्या करना, आपको जहाँ से पहला फोटो स्टार्टिंग है यहाँ पे आपको आ जाना है इस जगह पे, ओके। आने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेना है। तो वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे पीआईपी वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करने और वीडियो वाला ऑप्शन जाकर आपको ये ब्लैक इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है, देन आपको फुल स्क्रीन पर करना है और इस तरह से आपको हल्का सा प्ले कर लेना है। तो जैसे प्ले करते हो देख सकते हैं यहाँ पे बीच में वाइट जैसा आ चुका है इफेक्ट, तो इसको हटाने के लिए ऊपर में आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाइट जो इफेक्ट था यहाँ पे रिमूव हो चुका है, मतलब हट चुका है। तो इस तरह से आपको कर लेने, करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेने और फर्स्ट वाले फोटो का ड्यूरेशन जितना था उतना तक आपको इस तरह से चल जाना है और ये जो वीडियो है आपको इस तरह से स्प्लिट कर लेने, देन आपको एक्स्ट्रा वीडियो को आपको डिलीट कर लेने और ये जो वीडियो है मतलब इफेक्ट वाला वीडियो ये तीनों फोटो में अप्लाई कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पे सेकंड फोटो में यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, देन अगर आपको डुप्लीकेट कर लेने तो थर्ड वाला जो फोटो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेने, करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक करके फोटो को अब आपको सेट कर लेने। तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है और हल्का सा फोटो को छोटा करके नीचे को इस तरह से लेकर आ जाना, तो मेरा पहला फोटो सेट हो चुका है। सेकंड वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना और सेकंड फोटो को भी कुछ इस तरह से सेट कर लेने, देन थर्ड वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना और इसको भी इस तरह से सेट कर लेने। तो तीनों फोटो मेरा सेट हो चुका है, तो इस तरह से आपको कर लेने। तो यहाँ तक आने के बाद अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे अब वीडियो में लिरिक्स लिखना है, ठीक है। तो लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पर टी प्लस वाला आइकन मिलेगा, मतलब टेक्स्ट वाला ऑप्शन, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंट्रो में आपको लिखना है आई लव यू बेबी, आई मिस यू, या फिर कुछ भी आपको लिखना है जो आपका मन वो इंट्रो में लिख सकते हो। तो डेमो के लिए हम ये वाला लिख लेते हैं,
ठीक है, आई लव यू बेबी। देन इसका जो फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो डबल ई वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको ये वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है। इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, मतलब ये फॉन्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉन्ट यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको ये जो बीच में ये जो आइकन मिलेगा डाउनलोड जैसा आइकन, इसके ऊपर क्लिक करें। फाइल में सेकंड जो एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा सेकंड में, तो आपको एकदम लास्ट पे चलना है। लास्ट पे चल जाने के बाद आपको ये एनिमेशन को ऐड कर लेना है, ओके, और इसका टाइम ड्यूरेशन को एकदम बढ़ा लेना है और आउट एनिमेशन को आपको ऑफ रख लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेना है और ब्लैक इमेज का ड्यूरेशन जितना था उतना तक आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। करने के बाद अब क्या, आपको बीच में इस तरह से आ जाना है और आपको स्प्लिट कर लेना है, तो दो डिवाइड में यहाँ पे बढ़ जाएगा लिरिक्स मेरा, इंट्रो जो लिरिक्स है यहाँ पे दो डिवाइड में बढ़ जाएगा। तो आपको सेकंड वाला लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है और एडिट वाला ऑप्शन जाकर यहाँ पे आपको लिख लेना है दिस इज फॉर यू, या फिर जो आपको मन है इस तरह से आपको लिख लेना है। अगर आपको दूसरा कुछ लिखना है तो यहाँ तो आप लिख सकते हो, अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन में जाकर कलर भी चेंज कर सकते हो, ओके। एंड टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेना और वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है, आने के बाद यहाँ पे इमोजी ऐड करना है, तो टी प्लस वाला आइकन में जाना है और यहाँ से आप इमोजी भी ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से, ओके। एंड डबल ए वाला ऑप्शन जाकर इमोजी का जो फॉन्ट है आपको ये वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है, तो इस फॉन्ट का भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेना और इमोजी को हल्का सा छोटा करके नीचे में यहाँ पे ऐड कर लेना है, ओके, और इसका ड्यूरेशन इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेना है। देन अब क्या करना है, यहाँ पे सॉन्ग का लिरिक्स को अब आपको लिखना है, तो चलिए हम सॉन्ग को सुन लेते हैं और एक बार। ठीक है, ये वाला मेरा सॉन्ग है, तो यहाँ पे आ जाना है और टी प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सॉन्ग का जो लिरिक्स है लिख लेना है, चाह तुझे मैंने वफा से, ठीक है। और इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको ये फॉन्ट को ऐड कर लेना है और इसका कलर आपको वाइट रख लेना है। देन आपको बिंदु वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करके इसका जो है एनिमेशन आपको ये फर्स्ट वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है और आउट एनिमेशन को आपको आप रख के छोटा कर लेना है, ये लिरिक्स को कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है। देन आपको नीचे में यहाँ पे ऐड कर लेना है इस जगह पे, ओके, इस जगह पे आपको ऐड कर लेना है और इसको आपको दो बार इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। और फोटो का ड्यूरेशन जितना था क्या उतना तक आपको इस तरह से कर लेना है, जैसे तो मेरा सेट हो चुका है। देन बस आपको लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है और एडिट वाला ऑप्शन जाकर आपको लिरिक्स को चेंज कर लेना है, यहां से है मांगा तुझे मैंने दुआ से, ओके, इस तरह से आपको कर लेने। एंड कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, तो वाइट रख लेता हूँ। डन टिक कर लेने और जो लास्ट वाला लिरिक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है और लिरिक्स को और आपको लास्ट वाला लिरिक्स को भी लिख लेना है, इस तरह से लिख लेने। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिरिक्स को लिख लिया हूँ, तो इस तरह से आपको भी कर लेने। करने के बाद यहाँ से अब क्या करना है, इमोजी ऐड कर लेने, तो ये इमोजी को ही आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेने कुछ इस तरह से एंड एकदम लास्ट तक लेकर आ जाने। और आपको वीडियो में ग्लो इफेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे वीडियो को सेव कर लेने कुछ इस तरह से, सेव वाला ऑप्शन में जाकर, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले वीडियो को सेव कर लेते हैं, तो देखिए तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब क्या करना, आपको बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, जैसे क्लिक होते यहाँ पे रेड जैसा प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है, मीडिया वाला ऑप्शन जाकर वीडियो वाला ऑप्शन जाना है और वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए नीचे में प्लस वाला आइकन मिलेगा,
वाइड वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। एसेट स्टोर में चल जाना है कुछ इस तरह से, और फर्स्ट पे ही आपको ग्लो इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लो इफेक्ट है, तो आपको इस तरह से घटा लेना है इसको। ओके, और इसको भी हल्का, ये तीनों ऑप्शन को हल्का हल्का आपको घटा लेना है या फिर बढ़ा कर देख लेना है कि आपका वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक है, तो देख सकते ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। देन आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको ये जो आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है, और वीडियो को इस तरह से आप सेव कर सकते हो। तो मेरे जो वीडियो पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार लाइक भी कर लेना। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।